हाय एवरीवन, आज हम क्या करने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो चैप्टर आपका वन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। अब बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हम चैप्टर वन जो हमारा है, क्या है चैप्टर वन? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पे, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से और क्यों जरूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसने सबसे पहले दिया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगर हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने, अगर थर्ड ईयर में हो, चाहे जहां भी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, सेकंड ईयर में चाहे थर्ड ईयर में, कोई मैटर नहीं करता, अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ले जाएंगे सिंगुलरिटी, पोल, जितने होते हैं सब चीजें कवर करेंगे। लेकिन अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में फर्स्ट टाइम कब आया होगा? आई थिंक अगर आप होम बोर्ड आपका हो, मतलब स्टेट बोर्ड है आपका है, तो 12th में होगा। अगर एनसीईआरटी बुक आपकी है तो 11th में आपको मिलेगा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा हमें दिया गया है, हल्का फुल्का डेफिनेशन और मतलब कवर किया गया है, बेसिक चीजें दी गई है उसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं। या हम यहाँ पर शुरू करने वाले करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जब लोअर क्लास में थे, आई थिंक क्लास 10th की बात करें, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। तो इसका एक कंडीशन था कि कैसे, एक आपने सुविधा चार नियम पढ़ा था कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, इस इसके जो रूट्स होंगे उसको फाइंड कर लेते थे, या तो फैक्टर से या इस मेथड से, जिससे भी आप सुक्रिया आपको लगता है, तो इससे हम निकालते थे। लेकिन एक कंडीशन था, कंडीशन क्या था, जब हम लोअर क्लास में थे तो हमसे ये कहा गया, जो इसके विभेदकर यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है, कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो, तभी इस फार्मूले को आप यूज करना, है ना। कहा गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो आता है, यानी निगेटिव नंबर आता है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन था कि हमें वहां पर इसकी वैल्यू नहीं पता होती थी कि रूट में माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसलिए हमसे कहा गया कि जब ऐसा कंडीशन आता था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेट करने पे, हमसे कहा था, हमसे ये कहा गया कि नो रियल रूट, है ना, मतलब इस इक्वेशन के कोई आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। तो ये कहा गया। एक चीज और, आप अगर आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है, तो आप इजीली निकाल लोगे प्लस माइनस वन, ऑब्वियस है इंटीजर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने इसी क्लास में 10th में आपने ये इक्वेशन, आपसे कभी ये नहीं कहा गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, ये नहीं बताया जाता है। जब आप 11th में जाते हो तब आपसे कहा जाता है कि हाँ इसकी भी वैल्यू होती है। क्यों नहीं होती वैल्यू? क्योंकि यहाँ पर हमें जब यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस वन आएगा, और जब यहाँ करोगे तो रूट में क्या मिल जाएगा, माइनस वन मिल जाएगा, और रूट में माइनस वन की वैल्यू हमें वहां रियल नंबर तक हमको पता होता है। तो 11th में जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, इसकी भी वैल्यू एक होती है, एक इसका सिंबल होता है ना, उस सिंबल को हम बोलते हैं क्या, आई बोलते हैं, या इसको हम आयोटा बोलते हैं। एक मैथमेटिशियन थे डब्ल्यू आर हैमिल्टन, उन्होंने ही बताया था इसके बारे में फर्स्ट टाइम कि हाँ इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो उन्होंने इसका बताया था कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओके। तो लोअर क्लास में हमें नहीं पता, बताया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है, कम करते थे, इसके पास रियल रूट्स है ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो ये थोड़ा कुछ बेसिक चीजें रही। तो इसको
उन्होंने नाम दे दिया कि माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो आयटा यानी स्मॉल आई से उन्होंने इसको सैंबल दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा हम पावर्स ऑफ मतलब आई मतलब आयटा के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ आई या इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि आई की वैल्यू जो माइनस में होती है जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। अगर हमें आई क्यू की वैल्यू पता करनी हो तो आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आई कर सकते हैं यानी माइनस वन मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस आयटा हो जाएगा आई के पावर थ्री की वैल्यू। अब बात करेंगे हम आई के पावर फोर की, तो आई के पावर क्यू इंटू आई लिख सकते हैं। आई के पावर क्यू की जो वैल्यू है माइनस आयटा होता है, तब यहाँ पर माइनस आयटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ओके, अब यहां से आई के पावर फाइव का आपको निकालना हो तो आई के पावर फोर इंटू आई करें तो क्या आएगा, वन मल्टीप्लाई आयटा, हमने इसकी वैल्यू यहां पर रख दी तो यह आयटा मिल जाएगा। आई के पावर सिक्स की वैल्यू फाइव इंटू आयटा, आयटा इंटू आयटा माइनस आयटा स्क्वायर या माइनस वन मिल जाए। ऐसे ही आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म एक आप देख लीजिए, आई के पावर फोर के की वैल्यू वन होती है, आई के पावर फोर के प्लस वन की वैल्यू क्या होती है, आयटा होती है, आई के पावर फोर के प्लस टू की पावर फोर के प्लस टू की वैल्यू माइनस वन होती है और आई के पावर फोर के प्लस थ्री की वैल्यू माइनस आयटा होती है ना। तो ये कुछ जनरल वैल्यू है जो आप इजीली निकाल सकते हैं, वेयर k इज इंटीजर। ओके, तो ये आयटा के बारे में था, आई के बारे में। अब हम चलेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ऑलरेडी जान चुके हैं, मतलब पता है कि जो आयटा किस लिए आया, इसलिए आया क्योंकि इस इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन नहीं हुआ करता था। तो डब्ल्यू आर हैमिल्टन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका नाम दिया कि हाँ इसका भी सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो चलिए अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन क्या है। तो आइए कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन देखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ठीक है, ए एंड बी आर रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड से हम डिनोट करते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को, ए प्लस आयटा बी, है ना। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट का होगा तो हम उस नंबर को बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ओके, जहां वे ए एंड बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को पता ही क्या होता है, है ना। तो अब इसका शॉर्ट नोटेशन है कि अगर हम बात करें कि अगर इसको हमको लिखना, इस ए को हम क्या बोलते हैं, रियल ऑफ जेड इजकल टू ए एंड इमेज ऑफ जेड इजकल टू बी, है ना। अब तो कोई भी नंबर ए प्लस आइटा बी फॉर्म का होगा तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देखिए, जेड इजकल टू अगर हम जीरो लेते हैं, है ना, तो क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जीरो प्लस हम लिख सकते हैं आयटा इंटू जीरो लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं, जिसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, जीरो है। तो ए जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
जैसे अगर हम बात करें 2 प्लस आयटा 3 आयटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है। जेड इजकल टू अगर हम 1/2 प्लस रूट 2 आई ले लें, ये भी एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितने रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, सब क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल आपका रियल का सबसेट, और रियल क्या होता है कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स कब होते हैं। तो आइए देखते हैं इक्वल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है ए प्लस आटा बी, और दूसरा क्या है जेड टू है सी प्लस आटा बी, है ना। तो ये दोनों इक्वल्स कब होंगे, इफ जेड वन इक्वल टू जेड टू देन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब होंगे, जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तेरा है इक्वल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले समय आता है आपका एडिशन के बारे में बात करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है ए प्लस आटा बी, और जेड टू है सी प्लस आटा डी। तो जेड वन प्लस जेड टू क्या होगा, देखिए हमेशा रियल को रियल के साथ यानी ए प्लस सी प्लस आटा बी प्लस डी। एग्जाम्पल लें इस पर, जेड वन इजकल टू थ्री प्लस फोर आइटा लें, और जेड टू इजकल टू रियल है फाइव प्लस सिक्स आइटा लें। तो जेड वन प्लस जेड टू क्या हो जाएगा, इसको साथ इसको ऐड करेंगे एट प्लस एलेवन आइटा, है ना। अब इसमें एडिशन में क्या होगा था, जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, है ना, जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला क्या होता है क्लोजर ला, सेकेंड होता है आपको एसोसिएटिव ला, और थर्ड होता है आपका क्लोजर एसोसिएटिव हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। तो ये जो फोर प्रॉपर्टी है क्लोजर ला, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये जो एडिशन है ना, इस सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, ये फोर प्रॉपर्टी जो है आपका एसोसिएटिव, क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक और एक्सम ऐड कर लेते हैं कम्यूटेटिव ला। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड करें तो ये भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एसोसिएटिव को पता ही है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, हाँ, इक्वल होगा किसके, जेड वन प्लस जेड टू और जेड थ्री के। आपने पढ़ा होगा मतलब फर्स्ट ईयर में आपने इसको स्टडी किया होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की आइडेंटिटी क्या मिलेगी, इसका इनवर्स क्या मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड वन प्लस जेड टू करें तो जेड टू प्लस जेड वन के इक्वल होगा। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्या करता है होल्ड करता है। तो ये रहा इसका फर्स्ट जो ऑपरेशन है एडिशन का, इसको आपने देखा। चलिए इसका हम सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं, सबट्रैक्शन का ऑपरेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबट्रैक्शन का ऑपरेशन। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इजकल टू ए प्लस आटा बी, और जेड टू इजकल टू सी प्लस आटा डी, है ना। तो जेड वन माइनस जेड टू अगर हम करते हैं
तो ए माइनस सी प्लस आयटा बी माइनस डी। ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, जेड वन इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव आयटा ले लें और जेड टू इज उनका ले लें फाइव प्लस सेवन आयटा ले ले सकते हैं। तो जब जेड वन माइनस जेड टू करेंगे तो फोर माइनस फाइव प्लस आयटा फाइव माइनस सेवन यानी माइनस वन प्लस आयटा क्या आएगा आपका माइनस टू आएगा यानी माइनस वन टू आयटा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सबट्रैक्शन कराएगा। अब हम जाएंगे तो इस पर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब दो कंप्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनके जो ऑपरेशन सेटिस्फाई करते हैं, सारे सेटिस्फाई जो भी करता है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डिसेंट ऑफ इनवर्स है ना, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं, दो ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन का। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी और सी प्लस डाटा डी, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस ए को सी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, बी माइनस बी इंटू डी कर देंगे प्लस आयटा, और यहाँ पर हम बी सी प्लस ए डी कर देते हैं। डिवीजन मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक को कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और जेड टू, ए प्लस आयटा बी और सी प्लस आयटा डी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो उसके डिनोमिनेटर नंबर होता है उसके हम अपोजिट साइन से लेके मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा है ना। अब ध्यान रहे कि मल्टीप्लीकेशन में भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जैसे आपका क्लोजर, क्लोजर ला है ना, दूसरा आपका होता है एसोसिएटिव ला, तीसरा होता है आपका आइडेंटिटी और फोर्थ होता है आपका इनवर्स। यहां तक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। तो ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आपका कॉमुटेटिव लॉ भी ये होल्ड करता है। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनका मल्टीप्लाई करें, जेड वन इंटू जेड टू इसकल टू जेड टू इंटू जेड वन आ जाएगा है ना। ये सब चीजें आप बेसिक फर्स्ट ईयर में आपको जाननी चाहिए थी, ये वहां पर ग्रुप थ्री में आपको पता होगा, याद होगा आपको, ग्रुप थ्री में आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कुछ ये बेसिक के ऑपरेशन थे, मैंने आपसे पहले ही बोला है हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है चाहे नहीं पता है कोई मैटर नहीं करता है ना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट, तो अब हम जाएंगे थोड़ा मॉडुलस ऑफ कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स का, ये भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, लेट हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज ए प्लस आयटा बी दिया हुआ है, इसका हम मॉडुलस देखते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस को बेसिकली हम मॉड जेड को से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके जो नंबर्स होते हैं ए और बी उनका स्क्वायर कर देते हैं, वही हमारा मॉडुलस होता है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जेड इजकल टू थ्री प्लस फोर आयटा का मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस आएगा आपका थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, दिस इक्वल टू नाइन प्लस सिक्सटीन यानी क्या जाएगा फाइव आ जाएगा। तो रहा मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। अब कंजुगेट की बात करें, सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे इक्वल टू सी प्लस आइटा डी है, तो कंजुगेट को हम कैसे जेड बार से डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। और जो भी यहाँ पर साइन होगा ठीक उसका आप अपोजिट ले लेना, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो सी माइनस आइटा डी इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सी प्लस आइटा डी का कंजुगेट है। एग्जाम्पल देखना आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए, जेड इक्वल टू अगर थ्री प्लस फोर आइटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, थ्री माइनस फोर आइटा होगा। अगर हमारे पास अगर फाइव माइनस सिक्स आइटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, फोर प्लस सिक्स आइटा होगा। ऐसे सब चीजें आपको पता होगी ठीक है, बट ये चीजें हम आगे बहुत यूज करेंगे है ना, इसलिए मैं कुछ स्क्रीन पर नहीं चल रहा हूँ, जो भी चीजें रहेंगी साथ साथ चलेंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब तो बात हो गई, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जान लिया, डेफिनेशन जान लिया, उसका ऑपरेशन जान लिया, मॉडुलस कंजुगेट के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम आर्गन प्लेन भी कहते हैं, और दूसरा पोलर फॉर्म में, दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है।
तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है एक्स वाई प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आर एम प्लेन भी उसे हम कहते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने डिफिनेशन में ए प्लस आइटा भी लिखवा आपको लिखवाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, एक्स प्लस आइटा वाई इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई देन एक्स वाई प्लेन। सपोज ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस है एक्स, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका एक्स वाई आपका जेड प्लस आइटा वाई और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाई है, है ना। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल लिया कि हमें 2 प्लस 4 आइटा एंड जेड वन इक्वल टू और जेड टू इक्वल टू, मैंने दूसरा ले लिया माइनस टू प्लस थ्री आइटा, इसको हमें एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसका आर्डर पेयर लिख लीजिए एक्स टू वाई फोर एंड ये माइनस टू और ये थ्री, सिंपल है आप बहुत ईजी समझ सकते हैं, ये आपका वन है टू है और फोर कहीं आपका वन टू थ्री फोर कहीं आपका यहाँ आएगा, है ना। तो ये पॉइंट से कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेगा जिसका हमने नाम दे दिया ए, तो टू कामा फोर हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आपका है माइनस टू कामा थ्री है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो जेड वन हमने लिया था टू प्लस आई फोर आइटा वो यहाँ पर है, यानी इस पॉइंट पर है, ये नाम दे दिया मैंने इसको टू कामा फोर, है ना। उसके बाद माइनस टू यानी वन यहाँ माइनस टू आपका यहाँ पर आएगा, थ्री आपका है कहीं यहीं पर आएगा, तो ये कोई जो पॉइंट है यानी बी पॉइंट हमने इसका नाम दे दिया माइनस टू कामा थ्री दे दिया, यानी जो ये माइनस टू प्लस थ्री आइटा है ना वो इस पॉइंट पर यहाँ पर है और टू प्लस फोर आइटा यहाँ पर है। बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्डर प्लेन में राइट कर लेंगे, उसके बाद हम एक्स वाई प्लेन में इजिली ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा मेथड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करते हैं। सेकेंड आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है पोलर फॉर्म, तो आइए उसको भी देख लेते हैं पोलर फॉर्म क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, ओके। तो आइए देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जेड है ए प्लस एक्स प्लस आइटा बी ले लेते हैं आइटा वाई ले लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय क्या लेते थे हम लोग जेड इजकल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब इसमें ये आर क्या है थीटा क्या है, तो देखिए प्लेन देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये देखिए ये हमारा डिस्टेंस वाई है और ये एक्स है, ये एंगल थीटा, ये पॉइंट यहाँ पर हमें आपका है एक्स वाई है, यही जो पॉइंट आर होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, तो इसमें जो आर कैसे निकालते हैं, आर को हम क्या करते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई बेसिकली ये मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। आर हमें यहाँ से मिल जाता है और जो एंगल होता है यानी एंगल क्या होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। अब इस थीटा को हम क्या क्या बोलते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, इसका हम यूज करने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा को क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसका शॉर्ट नोटेशन क्या है ए आर
ए आर जी ऑफ जेड है ना, मतलब थीटा, थीटा को ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं है ना। और जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच होनी चाहिए, जीरो से लेके टू पाई बीच के भी होनी चाहिए है ना। जो थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ से लाइज करना चाहिए, जीरो से लेकर टू पाई बीच में, जब इसकी वैल्यू माइनस पाई से लेके और पाई के बीच लाइज करती है तब हम कहते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू है ना। तो आज आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म आपने देख लिया कि पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ जो एक्स होता है वो क्या होता है, आर कोस थीटा होता है, और जो वाई होता है वो आर साइन थीटा होता है ना। ये रिप्रेजेंट करने का, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यही मेथड है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्या इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, हम एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, आर कोस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या पुट करते हैं, आई साइन थीटा। तो यहां से एक्स की जगह पे वन आर कोस थीटा, और यहां से रूट थ्री आर साइन थीटा है ना। आर कैसे निकालते हो, इन दो इक्वेशन को क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आर स्क्वायर को क्या मिल जाएगा, रूट में आपको फोर यानी आपको टू मिल जाएगा है ना। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, फिर आर टू मिल गया हमको, अब हमें एंगल चाहिए। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पोलर फॉर्म का, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ओके, अब हमें आर मिल गया है, हमारा आर मिल गया है टू, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टू, यानी कोस थीटा वन बाई टू का मतलब पाई बाई थ्री। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन, जब यहाँ पर रखोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी होती है, साइन में यहाँ पर क्या होगा कोस पाई बाई थ्री, तो थीटा मिल जाएगा पाई बाई थ्री। सेम इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई थ्री ही आ जाएगी, यानी हमें एंगल मिल गया, क्या मिल गया, पाई बाई थ्री मिल गया। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको आर की वैल्यू मिल गई है टू, और कोस पाई बाई थ्री प्लस आटा साइन पाई बाई थ्री। ओके, तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका जो ये पोलर फॉर्म है ये है टू इंटू कोस पाई बाई थ्री प्लस आइटा साइन पाई बाई थ्री। कुछ नहीं किया मैंने, इसको हमने वन इसको हमने एजुम कर लिया क्या आर कोस थीटा, इसको हमने क्या किया, अभी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमारा जो मॉड, तो यहाँ से हमारा जो आर की वैल्यू मिल गई वो क्या मिलेगा, टू मिल गया, तो आर मिल गया, थीटा चाहिए हमको। अब यहाँ से तुम थीटा निकाल सकते हो, अब क्या कर दो, चाहो कि दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो, जैसे टू में, अगर टू में आप वन से डिवाइड करोगे तभी निकल जाएगा, या डिवाइड करोगे ना तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री मिल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ से पाई बाई थ्री भी मिल जाएगा। तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस आटा रूट थ्री, इसका जो पोलर फॉर्म है ना ये है ना। तो ऐसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड और मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए कुछ आर्गुमेंट ऑफ जेड की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। बेसिकली आपको पता ही है आर्गुमेंट ऑफ जेड किसे कहते हैं, थीटा, जो पूरा फॉर्म में जो थीटा की वैल्यू होती है जीरो से लेके टू पाई के बीच में, वही हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है ना। तो अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू उनका आर्गुमेंट निकालते हैं तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस टू एन पाई, और एन जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन डिवाइड बाई जेड टू निकालना हो तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जेड वन माइनस जेड टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू प्लस टू एन पाई, कभी जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए और जेड एन बिलोंग करना चाहिए जेड से। अब हमें कंजुगेट ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका कंजुगेट निकालना, कंजुगेट का आर्गुमेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस, मैं बेसिकली ये ए आर जी जो लिख रहा हूँ ना
ये है क्या आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आप जेड है ना, जो इसे हम थीटा भी बोलते हैं ना, ये मैं लिख रहा हूँ, तो इसको हम आर्गुमेंट ऑफ वन बाई जेड भी लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी माइनस जेड है तो उसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस पाई। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर एन है तो उसको लिख सकते हैं एन आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे आर्गुमेंट ऑफ जेड के, ठीक है। अब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड या इसको हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, है ना। अब हम जानेंगे मॉड की, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है, इसका यूज करेंगे आप, बहुत यूज करेंगे। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी एक बार आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बहुत इसका यूज करेंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक चीज चल रही है, बेसिकली मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो ये अभी जो आपका चल रहा है, जो सेकंड आएगा हम कुछ डिफिनेशंस करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉड जेड इज कॉल्ड, सपोज जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी या एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में। जेड वन जेड टू जब आएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, जैसे ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी, है ना। तो मॉड जेड इज कॉल्ड टू क्या होता है, कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है या माइनस जेड के इक्वल होगा या माइनस जेड का कंजुगेट या जेड आइटा के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर या कंजुगेट ऑफ मॉड का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको देखने को मिलेगा हर जगह। उसके बाद अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लम में है उनका मॉडुलस लें तो जेड वन मॉडुलस जेड टू मॉडुलस हो जाएगा। डिवाइड करें जेड वन डिवाइड बाई जेड टू का अगर मॉडुलस लें तो उसको ये अलग अलग हो जाता है, मतलब जेड वन मॉड और जेड टू मॉड हो जाएगा, जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए। अब जेड के पावर एन का मॉडुलस निकाले तो मॉड जेड के पावर एन हो जाएगा, एन नेचुरल से बिलोंग करता है। अगर मॉड जेड इजकल टू वन होता है इसका मतलब क्या है कि कंजुगेट ऑफ जेड इजकल टू वन बाई जेड। जेड वन प्लस जेड टू इजकल टू हमेशा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड टू, ओके। उसके बाद जेड वन माइनस जेड टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाइन आपकी क्या है, जेड इनवर्स इजकल टू जेड बार डिवाइड बाई मॉड ऑफ, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटी इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लीकेटी इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या है, आर आई के पावर आई थीटा इजकल टू आर होता है। पावर आई थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना। आज हमने क्या जाना, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी हिस्ट्री बता दी आपको कि क्यों आया, कौन बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, है ना, इसका ऑपरेशन क्या होता है, है ना, ये भी आपने जाना, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, ये सारे चीज़ें आपको पता चल गई, प्रॉपर्टी भी आपने देख लिया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखें, इसका जगह जगह आपको यूज आएगा तो वहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। मैं चाहता तो डायरेक्टली एनालिटिक फंक्शन शुरू कर देता, है ना, लेकिन वहाँ पर आपको दिक्कत होने लगती, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे घंटे का वीडियो है इसको आप कवर कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड पार्ट इसका एनालिटिक फंक्शन ही लाएंगे, है ना। तो अब दूसरा जो इसका पार्ट आने वाला है उसमें हम जो बेसिक डिफिनीशन है, जैसे नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट, और उसका फंक्शन में जाएंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानेंगे, डिफरेंसिबिलिटी जानेंगे हम, है ना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के बारे में जानेंगे। तो सिर्फ एक वीडियो में वो जो डिफिनीशन है ना वो बहुत यूज होगा, है ना, तो वो एक वीडियो में पूरा हम डिफिनीशन कवर करेंगे, है ना, मतलब ओपन सेट क्लोज सेट जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, आप सेकेंड ईयर में रियल में पढ़े होंगे, तो वो चीज़ें हम सारी कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे, है ना। सब कोई नहीं बताता है, डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, एक लेक्चर और लेते हैं और बेसिक से क्लियर करते हैं, ताकि आपको डिफिनेशन क्लियर रहेगा, तो वहाँ पर तो बार बार नेबरहुड आएगा, ओपन सेट आएगा, है ना, ये सब चीज़ें आती रहेगी, बाउंडेड आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, डिसेबिलिटी आएगा, तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे कॉम्प्लेक्स चैप्टर वन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम बेसिक डिफिनेशन सारा कवर कर लेंगे, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो
या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट करिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए, आपस में डिस्कस करिए, नहीं आएगा तो हम वहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन क्लियर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।